नाज़रीन आपको अहम खबर देंगे। सिंध असेंबली ने नायब कानून का मुतबादिल कानून सिंध एहतसाब बिल 2017 की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन अरकान ने बिल पेश करने पर एहतजाज करते हुए वॉक आउट किया। सिंध असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर शहला रजा की सदारत में हुआ। सिंध एहतसाब बिल 2017 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई और इस बिल की मंजूरी की तहरीक पेश की गई और इस बिल की मंजूरी की तहरीक पेश की गई। एमक्यूएम के सैयद सरदार अहमद ने बिल की मुखालफत की और कहा कि एहतसाब बिल आइन के आर्टिकल 143 से मुतसादिम है। अभी तय नहीं हुआ कि इस आर्टिकल के तहत एहतसाब अथॉरिटी बन सकती है या नहीं। एहतसाब बिल पर अपोजिशन का एतराज बरकरार है। ऐवान ने सिंध एहतसाब बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली और बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए वॉक आउट किया। ऐवान ने अपोजिशन की अदम मौजूदगी में बिल की मंजूरी दे दी। ये बिल नायब कानून की जगह लेगा। बिल की मंजूरी के बाद इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया।